आज है 30 मई, और 30 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप सभी वीडियो के पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। देखते कल का प्रश्न। प्रश्न है, किस राज्य में बंधन योजना COVID-19 के बाद सबक पर वेबिनार का आयोजन हुआ? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, जेपी मॉर्गन साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जेपी मॉर्गन कंपनी के जो अध्यक्ष हैं वो लियो पुरी को नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। इससे पहले लियो पुरी UTI के म्यूचुअल फंड के CEO के रूप में कार्य कर चुके हैं और वह कल्पना मौरपारिया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2021 के पहली तिमाही तक चलेगा। जेपी मॉर्गन कंपनी में CEO को भी अभी बदलने की घोषणा की गई है, जो मुरली मैया को अभी नया CEO नियुक्त किया गया है। वर्तमान में CEO कौन है? जेमी डिवन। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है, कैपजेमिनी समूह का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? कैपजेमिनी समूह का नया CEO एमान इज्जत को नियुक्त किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। इन्होंने पॉल हेरमेलिन की जगह ली है, अभी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में ये कार्यरत थे। इसमें उन्हें ऑल यूरोपियन एग्जीक्यूटिव टीम रैंकिंग की पत्रिका ने बेस्ट यूरोपीय CFO के लिए नामित भी किया है। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो आज का जो तीसरा प्रश्न है वो विप्रो कंपनी से संबंधित है। विप्रो ने अपना अभी हाल ही में CEO और MD को नियुक्त किया है, नया CEO MD बनाया गया है। तो वो किसको बनाया गया है? तो अभी हाल ही में थियरी डेलापोर्ट को बनाया गया है। तो ये कब? 6 जुलाई 2020 को अपना पद ग्रहण करेंगे। और वर्तमान में इसके CEO और MD कौन है? तो वो हैं अविदाली नीमचवाला, और इनका स्थान ये लेंगे कब? 6 जुलाई 2020 को। विप्रो के अध्यक्ष कौन है? तो रिशद प्रेम जी विप्रो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। तो आज का जो चौथा प्रश्न है वो है, किस का नाम अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया? तो अभी इसका नाम बदला गया। किसका नाम बदलकर ये कर दिया गया? तो CPET, इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया। इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? तो इससे पहले जो इस संस्था का नाम हुआ करता था वो पेट्रोकेमिकल की जगह पर प्लास्टिक से संबंधित इसका नाम हुआ करता था। तो ये संस्था जो है वो भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्था है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान के संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना। साथ ही केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो DV सदानंद गौड़ा, ये वर्तमान में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अधिकतर आज का पांचवा प्रश्न। तो आज का जो पांचवा प्रश्न है वो पैन कार्ड से संबंधित है। तो पैन कार्ड को का जो आवंटन होता है वो तत्काल सुविधा की शुरुआत अभी किसने की है? जो इसमें क्या होगा, आपका यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है तो आप अपना डॉक्यूमेंटलेस पैन कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी तुरंत। तो ये जो लॉन्च की व्यवस्था ये वित्त मंत्री ने लॉन्च की है, यानी कि निर्मला सीतारमण ने। तो इसमें ये मतलब खास बात है कि आधार नंबर जो है वो आपका एक वैध होना चाहिए, और साथ ही उसमें आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP आएगा, उसके द्वारा आप अपना पैन कार्ड नंबर तुरंत जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का छठवां प्रश्न। तो आज का जो छठवां प्रश्न है वो है, क्रिस्टोफ मोरिएक्स किस HIV शोधकर्ता को मिला है? तो ये पुरस्कार है क्रिस्टोफ मोरिएक्स, तो ये किस HIV शोधकर्ता को दिया गया है? तो ये क्वारेसा अब्दुल करीम, इनको मिला है। इस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। तो ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका के HIV
शोधकर्ता हैं। ऐसे फ्रांस में विज्ञान के रूप में दिया जाने वाला ये सबसे शीर्ष पुरस्कार है। इसमें राशि इनको कितनी दी गई है, तो इसमें जो राशि दी गई है वो 5,05,000, कितने, $551,000 की राशि इनको प्रदान की गई है। अब बात है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामाफोसा, और करेंसी क्या है, रैंड। अब देखते हैं आज का सातवां प्रश्न। तो आज का जो सातवां प्रश्न है वो दिवस से संबंधित है। तो दिवस जो है क्रम से जो मई महीने में दिवस मनाए गए उनको आप कमेंट करिएगा। आज मैं एक्स्ट्रा जो पिछले वाले दिवस हैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। यदि आपको चाहिए तो पिछले आप वीडियो देख सकते हैं, उनमें रिपीटेड सभी मिल जाएंगे। साथ ही आपको इसमें कमेंट के द्वारा बताना है कि किस डेट को कौन सा दिन। तो आज देखते हैं वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हंगर डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 मई को, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त लगभग 820 मिलियन व्यक्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भूखमरी और गरीबी को कम करना या समाप्त करना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो जो 2019 की रिपोर्ट आई उसके अनुसार भारत का स्थान है 102वां, और ये कितने 117 देशों में इसकी गणना की गई उसमें भारत का 102वां स्थान है। अगर इस स्थान के लिहाज से देखा जाए तो भारत नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे रह जाता है। अब देखते हैं आज का आठवां प्रश्न। तो जो आठवां प्रश्न है वो है 36वें राष्ट्रीय खेलों का अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया गया है, वे कहाँ होने थे। तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं वो गोवा में होने थे और इनका अभी अनिश्चित काल के लिए इन्हें स्थगित कर दिया गया है। तो अब कब होंगे इसकी कोई अभी तक इसमें सूचना जारी नहीं की गई है। तो ये कब होने थे, तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में होने थे, अक्टूबर नवंबर के महीने में इनका आयोजन होना था। और जो आखिरी संस्करण है वो कब हुआ था, तो आखिरी संस्करण 2015 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, केरल में। अब बात है यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ की अगर बात करें तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। अब बात यहाँ पे आई गोवा की, तो गोवा के कैपिटल कहाँ है, पणजी। गोवा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रमोद सावंत, और इस यहाँ की जो भाषा है वो कौन सी है, कोंकणी, और यहाँ का जो गवर्नर है वो कौन से हैं, सत्यपाल मलिक। अब देखते हैं आज का नवा प्रश्न। तो आज का जो नवा प्रश्न है वो है केरल से संबंधित। तो केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है, अभी हाल ही में केरल में महिला डीजीपी बनाया गया है, वो किन्हें बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर है ए, यानी आर श्री रेखा को केरल की पहला महिला डीजीपी बनाया गया। वे 1987 बैच की, कब की, 1987 बैच की अधिकारी हैं। साथ ही केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी, केरल की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं वो भी आर श्री रेखा हैं। अब बात है यहाँ पे केरल की, तो केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, और केरल के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो केरल के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं पी विजयन, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न, यानी कि दसवां। तो आज का अंतिम और लास्ट जो प्रश्न है दसवां वो है, किस देश की खिलाड़ी, कौन खिलाड़ी, क्रिकेटर, किस देश की क्रिकेटर ने, जिनका नाम है सेहान मधुशंका, को हेरोइन के रखने के आरोप में अभी निलंबित कर दिया गया है। तो सेहान मधुशंका ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी कुछ सालों पहले डेब्यू किया था बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन चोट के कारण ये ज़्यादा कुछ मैच नहीं खेल पाए, लेकिन पहली मैच में इन्होंने हैट्रिक ली थी।
तो इन्हें अभी हेरोइन रखने के कारण निलंबित कर दिया गया और इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये इनकी गिरफ्तार इनको निलंबन तब तक रहेगा जब तक कि इनकी जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो जाती है। तो इन्हें सभी फॉर्मेटों से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। अब बात है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। कैपिटल कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। जबकि इससे पहले जो यहाँ की राजधानी थी वो कौन थी? कोलंबो। और यहाँ की मुद्रा का है श्रीलंकाई रुपया। क्या है? श्रीलंकाई रुपया। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का जो प्रश्न है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ हाथ मिलाया है, यानी कि जो पेमेंट है उसको आसान बनाने के लिए, तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।